तो कल जैसे कि बिग बॉस घर के अंदर लाइव फीड के अंदर कटारी और रणबीर की लड़ाई हो गई थी। सो बेसिकली लव कटारी रणबीर भाई से बात करते हुए अपना पैर सोफे के ऊपर रख देते हैं, जिसके बाद रणबीर को ये वाली हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और ये चीज रणबीर को डिसरिस्पेक्ट लगी। उसके बाद रणबीर लव कटारियों को ये बोलते हैं कि हाँ तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की, अगर वही चीज मैं तुम्हारे साथ करूँ तो तुमको कैसा लगेगा। उसके बाद कटारिया ये बोलते हैं भाई तुम भी कर लो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। एंड फिर रणबीर कटारियों को अपने सोफे के ऊपर बिठा देते हैं, वही चीज सेम रणबीर भी करते हैं और सेम रणबीर भी कटारी की तरह सोफे पर पैर रखकर खड़े हो जाते हैं और उसके बाद दोनों के बीच में तू मैं स्टार्ट हो जाती है। एंड उसके बाद रणबीर कटारी को ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे से एज में काफी ज्यादा बड़ा हूँ। उसके बाद कटारी ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी इज्जत भी कर रहा हूँ और कटारिया ये कहते हैं कि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपको डिसरिस्पेक्ट करूँ और अगर आपको लगा भी है कि मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है तो उसके लिए मैं आपको सॉरी भी बोलता हूँ। सुगेश कटारिया वहाँ पर इस चीज के लिए अपोलोजाइज भी किया था। सुगेश कटारिया के इस मैटर के ऊपर एलवी यादव की रिप्लाई आ चुका है एंड इस मैटर के बारे में एलवी यादव ने क्या कहा है आप लोग खुद सुनिए। अंकल कार्ड खेल रहा भाई है उस पे, अंकल कार्ड तो खेलेगा ना अगला। भाई आज क्या हुआ, आज इसकी लड़ाई हुई थी उससे रणवीर शोरे से, तो उसमें कटारिया ने क्या करा, वो जो पैर रख के बात करी वो उठ के आया कि दिस इज डिसरिस्पेक्ट और ऐसे बात नहीं कर सकते। देखो ये चीज़ वहाँ तक वैलिड है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं बिल्कुल अनबायस्ड रहूँगा, कभी तुम्हें कटारिया वैसे हैं बायस्ड बट इस बारी अनबायस्ड, कि नो डाउट उसकी एज ज़्यादा है बट कटारिया ने मेरे हिसाब से इंटेंशनली कुछ नहीं करा कि जिससे डिसरिस्पेक्ट हो, क्योंकि हम उसको बाहर भी जानते हैं, बाहर भी ऐसा कुछ नहीं करता कि जो अपनी एज से ज़्यादा के लोग हैं उनकी उनने आज तक डिसरिस्पेक्ट करी हो, 4 साल हो गए हमको साथ में, तो ये उसकी कोई इंटेंशन नहीं होगी और लगा होगा उसको अंकल जी को हमारे को कि डिसरिस्पेक्ट हुई है तो उसने उसको काउंटर करा कि भाई ऐसे है वैसे। उसने साथ साथ आपने सुना होगा अगर वो वाली क्लिप देख के कटारिया ने सॉरी मांगी साथ में और उसके बाद बोला कि आ कोई नहीं आप भी रख लो। सो बाकी चीज यहाँ पर आप लोग लव कटारी के बारे में क्या कहना चाहोगे, आप लोगों को लगता है कि लव कटारी ने पैर रखकर गलती की थी या फिर नहीं, अपने अपने नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड गाइस अभी के लिए बस इतने अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।